अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा ने अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें IBM से जॉब ऑफर हुआ। IBM उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। कुछ महीनों तक रतन टाटा ने IBM में जॉब भी किया, पर उनके दादी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। वापस आते ही रतन टाटा टाटा स्टील्स में काम करने लगे, पर यहाँ काम करने में इनका दिल नहीं लगा। जब रतन टाटा ने यह बात JRD टाटा से कही, तब उन्होंने नेल्को कंपनी संभालने का काम रतन टाटा को दे दिया। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी, जो कि उस वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट। नेल्को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलती को ढूंढने के लिए रतन टाटा ने कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, और एनालाइज करने के बाद ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने चेंज लाया। रतन टाटा के लीडरशिप में कुछ ही सालों के अंदर नेल्को के सारे डेब्ट्स क्लियर हो गए और नेल्को फिर से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 1991 में रतन टाटा की असली जर्नी शुरू हुई, जब वो टाटा एंड सन्स के फिफ्थ चेयरमैन बने।